नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं TVS Victor GL गाड़ी की क्लच साइड की पूरा कंप्लीट फिटिंग कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देख सकते हैं पहले तो इधर जो एक पिनियन आता है 8-8 इंच का, वो इधर फिटिंग होगा। जैसे हुंडा साइन का होता है कि क्लचेट से यहाँ फिटिंग होगी, हाउसिंग में जो रहता है हाउसिंग उससे लेकर GPD पिनियन तक, मतलब किक मारने से स्टार्ट हो जो होता है उसका पिनियन, मेन पिनियन जो है मैं अभी उसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। देख सकते हैं इसका 18 टीथ है, एक साइड बहुत ऊंचा है, देख सकते हैं एक साइड जो है बहुत ऊंचा है, दूसरे साइड गड्ढा है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसमें अंदर की तरफ कोई वसार नहीं लगेगा, सिर्फ ये जो 18 टीथ का पिनियन है आपको ऐसे करके इधर डाल देना है। ये देख सकते हैं पिनियन जो है मैं अच्छे से डाल लिया, डालने के बाद का जो काम है वो इधर एक वसार लगता है, ठीक है। ये देख सकते हैं इस टाइप का एक वसर, ध्यान रखना है नीचे वसर नहीं होगा, ये जो वसर है वो ऊपर की तरफ आपको ऐसे लगा लेना है, ठीक है। नीचे वसर भूलकर भी मत डालना, ऊपर ही डालना ये वाला वसर। उसके बाद देख सकते हैं इस टाइप का एक लॉक आता है, इस लॉक को आपको यहाँ लॉक प्लस की मदद से अच्छा से बैठा लेना है। ये देखिए इस प्लस की मदद से जो है इस लॉक को इधर बैठा लेना है। ये देखिए लॉक जो है ये पूरी तरीके से बैठ चुका है और पिनियन जो है वो फ्री घूम रहा है। उसके बाद होता है किक जैकेट का, ये पिनियन 31 टीथ का आता है, मतलब 31 टीथ का ये जो पिनियन आता है, और ये जो दांत बना हुआ है वो यहाँ जाके फंसेगा, फिर आप किक मारने से ये जो रैचेट है ऊपर की तरफ आएगा, फिर इसको घुमाएगा तो ये वाला इस पिनियन को घुमाएगा, फिर आपका जो हाउसिंग घूमेगा और क्रैंक भी घूमेगा। तो ये पिनियन को 31 इंच का जो है आपको ऐसे नहीं लगाना, ये जो दांत निशान दिख रहा है ना ये आपको अंदर की तरफ ऐसे रख लेना है, ऐसे ही छोड़ देना और कुछ नहीं, इसमें लॉक वॉक कुछ नहीं आता। ये देख सकते हैं ये पिनियन के साथ घूम रहा है, ये देखिए ये पिनियन घुमाने से ये घूम रहा है और ये घूमने से हाउसिंग घूमेगा, हाउसिंग घूमने से इसका जो क्रैंक में GPD पिनियन आता है ये देख सकते हैं, इसको हम GPD पिनियन बोलते हैं, ये भी घूमेगा। तो ये GPD पिनियन लगाने के लिए पहले आपको यहाँ एक लॉक आता है इस टाइप का, देखिए इस टाइप का एक लॉक आता है, इस लॉक को क्या करना है इधर आप लोगों को फंसा लेना है। ये देखिए ये जो लॉक है इधर पूरा मैंने फंसा लिया, फिर देख सकते हैं इसमें भी एक गड्ढा बना हुआ है ताकि ये लॉक जो है GPD पिनियन में फंस जाए अच्छे से। तो क्या करना है, इसका सीधा सीधा जो है ऐसे आपको डाल लेना है। ये देखिए ये जो है अभी हमारा बैठ चुका, अच्छे से बैठ चुका। इसका नाट जो है मैं बाद में टाइट करेंगे, इसका उल्टा चूड़ी नाट है, जैसे अपाची का है उल्टा चूड़ी, इसका भी उल्टा चूड़ी है। उससे पहले हम हाउसिंग को बिठा लेते हैं। हाउसिंग बिठाने से पहले क्या काम करना है आपको, ये जो बुश आता है पहले इस बुश को आपको जो देख सकते हैं क्लच सेम में ऐसे करके डाल लेना है, ठीक है। डालने से क्या होगा, ये जो हाउसिंग का जो ये जो पिनियन है ऊपर की तरफ रहने से इसमें जाके इसमें लगेगा तब घूमेगा। अगर इसको आप नहीं दोगे तो ये जो पिनियन है ये नीचे की तरफ चल जाएगा, इस पिनियन में नहीं लगेगा, फिर आप किक मारने से ये जो हाउसिंग है ये नहीं घूमेगा। इसलिए पहले आपको ये वाला बूस्ट जो है इसको डाल लेना है, डालने के बाद का जो काम है आपको ये हाउसिंग डाल लेना है। देख सकते हैं हाउसिंग कितना फ्री है, इसको मतलब टाइट करने के लिए आपको यहाँ में एक टाइप का बूस्ट आता है, ये देखिए ये वाला बूस्ट को आपको यहाँ ऐसे डाल लेना है, ये देखिए आसानी से डाल लिया, ठीक है। इसका जो क्लच है, क्लच हाउसिंग है, इसको बैठा ले, देखिए इसको हम जब भी दबा घुमाएंगे तो ये अंदर का जो पिनियन है ये घूमेगा, देखिए अंदर का पिनियन घूमेगा, अभी नहीं घूम रहा है ताकि हाउस, ये देखिए अभी नहीं घूम रहा है, इसके ये जो हाउसिंग का पिनियन से लॉक हो चुका है। जब किक मतलब नीचे की तरफ करेंगे तब भी हाउसिंग और इसका जो क्रैंक का जो पोजिशन है ये घूमेगा। ये हो गया कम्प्लीट, फिर ये वाला बूस जो है आप यह किक में ऐसे कर डाल लेना है, ठीक है। देख सकते हैं ये बूस को यहाँ मैं डाल लिया, फिर उसके बाद क्या करना है, ये देख सकते एक बड़ा वाला वसर, तीन वसर इधर रहता है क्लच में, ये देख सकते हैं इसका तीन वसर रहता है, ये आसानी हो जाएगा आपको पहचानने के लिए। एक जो छोटा वाला, सबसे छोटा वाला जो वसर है वो आपको इसमें GPD पिनियन के इसमें लगा देना है, फिर जो एकदम बड़ा वाला है वो आपको हाउसिंग के अंदर बैठा लेना है। ये जो बैठा लिया, ये जो वसर बचा है वो जो है इधर रह के
इधर रहेगा, फिर इधर नट टाइट होगा, ठीक है। इसको हम लास्ट में बैठाएंगे, ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन ये लास्ट में लगेगा। ये देखिए इधर मैं छोड़ दिया। उसके बाद क्या करना है, इसमें क्लच प्लेट डालना है। ये देख सकते हैं इसका क्लच जो है कंप्लीट क्लच प्लेट लगा हुआ है। अगर क्लच प्लेट की भी वीडियो चाहिए, सब गाड़ी में जिस तरह क्लच प्लेट लगता है, इसमें भी उस टाइप का क्लच प्लेट लगता है, ठीक है। इसका वीडियो मैं अलग से नहीं बना रहा है, इसलिए क्लच को पूरा असेंबली में इधर फिटिंग करने वाले। तो इधर बहुत गंदा लगा हुआ है, इसको हम अभी थोड़ा पेट्रोल की मदद से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से सफ़ा कर लिया। आप लोग बोलेंगे कि अच्छे से सफ़ा नहीं हुआ, जितना मेरे से हुआ उतना मैं किया। ये जो दिख रहा है ना, ये आपका पहले जो इंजन बना हुआ था उसका दाग है। ये मैं नया नहीं डल रहा है, इसलिए इसको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है पूरा एकदम साफ़ सुथरा है। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, ये क्लच में फंसाएँ, फिटिंग कर लेंगे हाउसिंग में। जैसे सभी गाड़ी का फिटिंग करता है, ऐसे भी इसका भी होगा। ये देखिए क्लच प्लेट जो है मैं इधर लगा लिया। उसके बाद जो वॉशर मैं आप लोगों को दिखा रहा था पहले, ये देखिए ये वॉशर को आपको टेम्पर वॉशर बोलते हैं हम, इसको हम टेम्पर वॉशर बोलते हैं। अलग अलग मिस्त्री अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन हम इसको टेम्पर से इसको यहाँ से लगा लेंगे। लगाने के बाद ये देख सकते, ये कटा हुआ नाट दिख रहा है, इस नाट को हम यहाँ फिटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसको फिटिंग कर लिया। अभी करने के बाद इसको टाइट कर लेंगे पाना की मदद से। ये आपको नहीं दिखा रहा है मैं, इसलिए कहते वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए। फिर क्या कर रहा है, इधर जो वॉशर लगा था, फिर देख सकते हैं ऐसा लाइक बोल्ट, ये आपको उल्टा चुड़ी लगेगा, ठीक है। ये देखिए टाइट हो रहा है, उल्टा में इस साइड खुलता है, लेकिन ये देखिए टाइट खुलने से टाइट हो रहा है, मतलब इसका चूड़ी जो है उल्टा है। ये देखिए पूरा फिटिंग कर लिया, अभी दोनों को टाइट कर रहा है। ये टाइट आप लोगों को मैं नहीं दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। देखिए ये देखिए इसको मैं टाइट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोनों नट को जो फुल टाइट कर लिया। उसके बाद ये चारों स्प्रिंग को आपको यहाँ ऐसे बैठा लेना है, ठीक है। बैठा लिया। बैठाने के बाद ये वाला प्रेशर जो प्लेट है, स्प्रिंग को प्रेस करके अंदर की तरफ प्रेस करके रखेगा। ये प्लेट जो अभी इसमें लगा रहा है, देख सकते हैं ये चार जो है 8 mm का चार बोल्ट यहाँ फंसा लिया। फिर उसके बाद इसको जोर से टाइट कर लेंगे, ठीक है। देखिए 8 mm की बोल्ट से इसको फुल टाइट हम कर लेंगे चारों बोल्ट को। देखिए ये चारों जो बोल्ट है, ये चारों 1, 2, 3 चारों बोल्ट को फुल टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद ये बियरिंग जो है आपको यहाँ बैठा लेना है, ठीक है। बैठा लिया ये वाला। फिर जो इसका काम है, ये वाला जो बूस है आपको यहाँ ऐसे डाल लेना है ताकि क्लच सेम में पूरी तरह से चल जाए। ये देखिए ये हो गया आपका क्लच फिटिंग। और एक बूस आता है इस टाइप का, ये जो है आपका क्लच चिम्बर में लगा था सिर्फ उसकी तरह, ये ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो हो गया इसका क्लच कंप्लीट फिटिंग। अब लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।